पूछ नहीं कटेगी, पूछ नहीं क्योंकि पीछे हाँ कई बार पशु घूम जाता हो बेटा, पूछ कटने का खतरा है, पूछ कटने का। और जो ये पाइप ऊपर की है जी, दिखाता रहा भाई जी, ये किसी पशु से नाल देने, दवाई लाना, टीका लगाना, क्रश में जाने की जरूरत नहीं, खटखट में जाने की जरूरत नहीं, यही लपेटा डट दे, यही लपेटा। ये भी दिमाग वाली बात करिए, मतलब टाइम, ये 4x4 का है, 4x4 का, ठीक है। और ये दोबारा करवाए थे तैयार रिपेयर, अच्छा स्पेशल आपने तैयार करवाया, 42,000 रुपए पर कूलर का खर्चा है, पर कूलर का खर्चा 42,000। एजुकेशन नहीं है जो अच्छे से आईएएस बन सके, टेस्ट क्लियर कर सके, ठीक है। मेरे वर्ग के कम दिमाग के भी हैं जिन्हें पशु पालन का काम करना पड़ेगा। ये बड़ी सुथरी बात है, ये छांट के तो भाई पशुपालन में काम करो, अच्छा नाम कमाओगे, बढ़िया काम करोगे, मेहनत लागे रहा। अगर नू नहीं, एक मेला में हार गए तो रिटायर हो गए, चलो छोड़ो, ना ना मैं नहीं लड़ू, बहुत सारे भाई देखे हैं, दस कंपटीशन हो है। एक मेला लड़ाऊंगे फिर नू कहे माम को नहीं आवा, गलत हो गया, नू हो गया, कोई बात को नहीं, मेहनत आपकी दिखेगी, आज नहीं तो तड़के दिखेगी, यही बात है, बिल्कुल दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी जी जी। तो इतिहास खोल ले, जो भी लोन ले हुए हैं जी, वो लोन क्लियर नहीं कर पाते, लोन ही क्लियर नहीं कर पाते, और फिर 5-4 साल चला हुआ जी, और नुकसान कर लेते, नुकसान इतना कर ले सर, जमीन भी बेच कर पंडा नहीं छुटता, सही बात है। तो भाई हमने, जब हमारे पास दोनों साइड से इनकम थी जी, हमने लोन कराने की जरूरत नहीं पड़ी जी, तो ठीक अपना चला पाया 25 साल भी चलाना, इस लेवल पर मैं आसान नहीं बनता, जितना लंबा हम चलाएंगे। देखो 5-10 बैच तो लेकर दुनिया देश कर ले, सही बात, लेकिन इतना लंबा और इतना कंपटीशन लड़ने, इतने अवार्ड लेने, तो मैं तो हर आदमी यू काम कर पाए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सभी साथियों को नमस्कार भाई, राम राम, दीपक सिंह आपकी ओरते हैं, और बहुत सारी वीडियो रूटीन में दिखावा, किसी ने कितना प्रयास करया, सेल परचेज वाली भैंसे होगी, भैंसों की जानकारी होगी, लेकिन रख रखाव का क्या तरीका होता है, बहुत सारे भाई विचलित हो जाओ हैं, पता ही नहीं चलता कैसे रखनी है, क्या करना है, कच्चा देवा पक्का देवा जो भी रखना है, सारी की सारी चीज़ें बतावा, कम बजट में कैसे अच्छा काम कर सकते हो, बढ़िया काम कैसे हो, सारी की सारी बातें करेंगे। और आज की वीडियो लेकर आ रहा हूँ जी, फिर से बहुत ही ज़बरदस्त पार्ट 2, जो अपना गोल्लू डेयरी फार्म है डिडवाड़ी के अंदर, जिला पानीपत, श्री नरेंद्र सेक्रेटरी जी का, इनके फार्म से साइड की वीडियो लेकर आ रहे हैं भाई, कैसे क्या कुछ सिस्टम कर रखे, एक बार तो ताऊ जी के कैमरा कर दे, आ जाओ ताऊ जी, तो नमस्कार ताऊ जी, नमस्कार, एक बार दर्शकों दर्शकों भाई बराबर जी। अच्छा ताऊ जी, जो नए नए काम स्टार्ट करने पड़े हैं, अपने डेयरी का लगा लो चाहे किमें लगा लो, उन्हें मतलब साइड का थोड़ा हिसाब कमाओ है आपका, हमने देखा डेयरी फार्म पे भाई अलग से सारे खतर स्पेस बना रखा है, ऊपर भी पाइप लगा रखे हैं, कच्चा अलग तक रखा, पक्का अलग तक रखा है, साइड बना दिया जहाँ पे तपत हो यार, बीच में पलट वगैरह लगा दिए, ये सारी बातें कराएं, ठीक है। एक बार तो स्टार्टिंग पे आ जाओ भाई, गेट तो लगा रहे यार, बहुत ही दिमाग लगा कर बढ़िया सेटअप कर रखा ताकि मच्छर न मक्खी कुछ भी नहीं हो उसके, पहले तो गेट देख लो जी एक बार, ये देखो जाली वगैरह लगवा रखी है, इस तो फायदे बता दो एक बार। देखिए जब हमने ये अपना शेड बनाया था ना जी, ये सबसे पहले तो जो हमारा एक्शन था अपना टेक्निकल विभाग से, मतलब अपना पंचायती राज है, ठीक है, उससे हमने सलाह करी, सलाह ली थी, हाँ ठीक है। तो जो अगर पिलर है उन्होंने दिया, हमने इतने बाई इतने बना लिया, 90x90 का है, ठीक है, तो भाई इतने सरिया लगाओ, इतने पिलर लगाओ, उसके हिसाब से मतलब टोटल इसकी 90x90 है, और जो इसका नक्शा था वो मैंने अपने हिसाब से, क्योंकि हमने कई फार्म देखे हैं, हमने आगे मशीन गिर के युग से चलाना है, वैसे चलना है, जो हमने ये पूर्व पश्चिम की तरफ मुँह करा, क्योंकि जब भी हवा चला है पूर्व और पश्चिम चलते हैं, पूर्व पश्चिम, ये खास बात है जी, ये दिखा दे एक बार जरूर भाई, एक तो उधर हो गया गेट, एक इधर हो गया, जाली उधर लग रही है, जाली इधर लग रही है, तो ये खास बात बताई कि हवा पास होनी जरूरी है, अगर इनका बाना या आपके गेट को वहाँ यूँ हो जाता तो उत्तर दक्षिण ठीक नहीं था, क्योंकि हवा क्रॉस नहीं हो पाती, पूर्व पश्चिम हवा चलती है, हवा चलती है, 3 दरवाजे इधर है, ठीक है, 3 है, 3 उधर, इधर की चले तो इधर क्रॉस हो, इधर की चले इधर क्रॉस, ठीक है। पहला पॉइंट तो यही बेस्ट है, अगर आप बनाओ साइड तो इस बातों का ध्यान रखो, पूर्व पश्चिम, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपके देखी, अरे काले भाई के गया ने, अरे भाई के बताऊं, झोटी लाया था 20 किलो दूध वाली, और मेरे घर 13 किलो दूध तो ऊपर नहीं जा रही, और सुन खड़ बिंदोला सबके में खुआ के देख लिया पर दूध तो नहीं चल रही। अरे बावड़े भाई क्यों दुखी हो रहा है तू, SR कैटल प्लांट आ रसदारा फीड खिला, जिससे तेरी भैंस अच्छा और पूरा दूध देगी। और पशुपालक भाइयों, यह बात मैं सिर्फ काले तो नहीं आप सब तभी कहना चाहूँ, रसदारा फीड खिलाओ और अच्छा दूध पाओ, और ज्यादा जानकारी के लिए 90 543 पूरा 800 पर संपर्क करें। भाई बहुत सारे डेयरी फार्म हो हैं,
उसका अपने चुगर दो मतलब खुरली बना देते, वो भी बढ़िया रहता। ये बीच वाला क्या काम कर रहा है? बीच वाला ये कर रहा था, ये 12 फुट की हमने जगह रखी थी, ये मतलब 12 फुट लगभग, क्योंकि आगे की सोच के लिए ठीक है, क्योंकि जब आजकल मशीन आती है, मशीन हाँ, 4-8 फीट मिला अगर करते हैं, अगर मान लिया हमने लेबर की कमी हो जाए और बड़े लेवल पर चले जाए जी, तो अपना ट्रैक्टर मशीन जोड़ी जी और वो मैं साथ साथ डालते चलेगी, साथ की साथ ये मशीन के उससे बनाएगा, अब मशीन का बढ़िया आगे दिमाग का प्रयोग करे जी जी, हाँ चारा डालने के लिए मशीन का प्रयोग किया गया ठीक है, तो उसके हिसाब से हमने बनाया था। नूर बराबर वाली है, पीछे पिछली साइड में ट्रैक्टर और ट्रॉली चलने का रास्ता दोनों साइड, हाँ उधर तो उस हिसाब से हमने फार्म तैयार किया ठीक है। हाँ यार लेबर को भी आसानी हो, लेबर को भी यहीं से ही डाल दो चारा, लेबर ने भी यहाँ डाल दे खड़े, अंदर नहीं जाना पड़ा पशु, ठीक है ठीक है। और रही जो पाइप की, ठीक है आ जाओ जी एक बार उधर चलाएंगे, हाँ पाइप आपने अलग अलग साइड बना रखे हर पशु के लिए, पशु जो भी है इसमें खड़े रहेगा ठीक है, पीछे गोबर मूत जो भी पीछे करेगा, हाँ जो भी है वो पीछे कर दिया होगा, घूमे नहीं गा उसके नीचे गोबर मूत नहीं करेगा ठीक है, पूछ नहीं कटेगी, पूछ नहीं क्योंकि पीछे, हाँ कई बार पशु घूम जाता है बेटा पूछ कटने का खतरा है, पूछ कटने का। और जो ये पाइप ऊपर की है जी दिखाता रहा भाई जी, ये किसी पशु से नाल देने, दवाई लाना, टीका लगाना, क्रस में जाने की जरूरत नहीं, खटखट में जाने की जरूरत नहीं, यही लपेटा डट दे, यही लपेटा, ये भी दिमाग वाली बात करिए, मतलब टाइम वेस्ट नहीं, हाँ ले जाना जाना, जैसे जो हम अच्छे कंपटीशन की पैसे नाल कुछ रोज आना कुछ 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 दिए जाना, हाँ, ठीक है, और जब कंपटीशन की तैयारी कर ले जब इन्हें पहले तो सब अपनी मेहनत करते हैं, हाँ तो परेशान होने की जरूरत नहीं, चाहे रात के 12 बजे दे ले चाहे 10 बजे दे ले, पूरी किसी टाइम भी दे लो, बाहर निकलने की क्रश में जाने की जरूरत नहीं है ठीक है, ये इस तरीके से किया। और खुरली को भी आप थोड़ा चौड़ा ही रखे ताऊजी ने जैसे बना रखी है ताकि अनाज डालते वगैरह कोई दिक्कत ही नहीं हो, सारा ठीक है जी, वो ऐसी बात नहीं रही, आग फिर आग जब फरस पे जी, ये दन ब्लॉक वाली लगा रखी है आपने, ये दन बार 4-10 बार नुआओ ठीक है, ठीक है जी, सूख जाता ऊपर पंखे चला के साथ मुझे ठीक, कोई परेशानी नहीं ठीक, रात को ये रेत है अच्छा, ये रात नहीं इसमें बंद है आराम से बैठे रहे, मतलब ये वाले पशु जो इस साइड के ये रात को यहाँ आ जाएंगे, ये रात को यहाँ पे आ जाएंगे, सवेरे 4 बजे खुल के ठीक वहाँ आ जाएंगे, वहाँ जाऊंगे ठीक है, तो ये मतलब चेंज, और फिर यहाँ से सवेरे 6 बजे बाहर रेत पर चले जाएंगे, बाहर रेत पर, क्योंकि धूप भी लगनी 2-3 घंटे जरूरी है, हाँ ये भी है जी, हाँ। बिल्कुल कच्चा भी हो गया, कच्चा पक्का भी और बाहर धूप लगनी जगह भी होगी, और फिर यहाँ जो करे हुए रात को मच्छर हो जाए, ये कूलर रख दिया हमने, कूलर बड़े आपने सिस्टमेटिक ढंग वाले लगा रखे, कैमरा मैन देखूंगा नजदीक से दिखा दे बढ़िया, कूलर नहीं दूसरी एसी हो गया तो, हाँ ये तो ये जी 45 फुट दूर हवा फेंक देते हैं, अच्छा 45-50 कर देते हैं ठीक है, इसमें पानी की 3 मोटर लगी हुई है, अच्छा 3 मोटर, और इसका वेट भी है खाली का 2.25 का है, 2.25 चुकर तक घूम के दिखा दे भाई एक बार बढ़िया, ये 4x4 का है, 4x4 का ठीक है, और ये दोबारा करवाए थे तैयार रिपेयर, अच्छा स्पेशल आपने तैयार करवाया, 42,000 रुपए पर कूलर का खर्चा है, पर कूलर का खर्चा 42,000, अच्छा इसकी लाइफ कितनी हो लगभग, इसकी कम से कम भी 40 साल की गारंटी दे रखी है इसको, 40 साल की, हाँ। तो मतलब बाजार में तो आते नहीं है, तो स्पेशली बनवाए, स्पेशल बनवाए गए हैं, एक बार दिखावा हाँ। है भाई सारी की सारी नॉलेज है भाई, अच्छा इसके नीचे तो आपने टैंक बना रखा है, इसका नीचे, इसके नीचे जो प्लास्टिक की वो पानी का टैंक है उसके बाहर ये वो मतलब डबल वो बना रखा है ठीक है ठीक है, इसमें जो पेडल लगे वो 6 इंची है, 6 इंची ठीक है, पहिए भी लगे, पहिए लगे, पहिया खर्चा भी 2,000 रुपए के पहिया लगे ठीक है, क्योंकि कितना इसमें मेरे ख्याल में 700 लीटर पानी आया है, हाँ हाँ, और 2.25 क्विंटल वेट है, तो लगा ले कितना होगा, फिर भी घुमा देते हैं 2 आदमी इसको आराम से, पहिए बहुत है अभी ठीक है ठीक है, ये देखो जी, और उधर से भी साइड छोड़ दिया अंकल जी ने बताया भैया के जो बैग में फिर छोड़ दिया, मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग है, हम देखा फार्मा में तो जगह तो क्या पता और भी बहुत सारे ले रहे हो इससे ज्यादा, लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग हो नहीं वो बहुत कम देखने ने मिला है, अच्छा ऊपर पंखे लगा रहे हैं, ऊपर पंखे लगा दिए ठीक है, और इसके चारों तरफ जी पेड़ तैयार कर दिए, अच्छा चौगर्दों को चारों तरफ ठीक है जी ठीक है ठीक है ठीक है, ताकि पेड़ लगने से सर्दी भी कम लगेगी और गर्मी भी कम लगे गर्मी में, क्योंकि तप नहीं पाएंगे ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छा पानी पिलाने का क्या सिस्टम रहा है, पानी पिला का बार ओदी है ठीक है, और नुहाने के लिए बार तालाब भी है, अच्छा बाहर ही करो बाहर तालाब है ठीक है, और तालाब के भी चारों तरफ पेड़ तैयार कर दिए ठीक है, अच्छा वो क्या दे रहा था अपने पानी पिलाने का चारे का क्या कुछ सिस्टम रहता, कितने टाइम डालते हो चारा, चारा हम तो भी 3 टाइम डाला है, 3 टाइम बताओ टाइमिंग, हमने कंपटीशन लड़ना है जी, कंपटीशन के लिए पशु मोटे रखने जरूरी है, मोटे रखने जरूरी हाँ, है, अगर मोटे रखेंगे तो 3 टाइम उनको चारा डालना जरूरी है, 3 टाइम चारा डालना बिल्कुल डालना पड़ेगा,
हरा चारा भी रूटीन में चारा है ये जो थोड़ा है ये तो अपना छोटा कटर है जी जी और जी। जब साइलेज बना हो बड़े कटर है पीछे खड़े साइलेज डालते हो हाँ साइलेज डालना दो चार महीने का तो तैयार कर रहे हर साल ठीक है किस चीज का करते हो मक्की का करते हो या मक्की तैयार हो जाए मक्की कर ले ज्वार का जैसा समय वैसा कर ले वैसा कर ले क्योंकि हरे चारे का प्रबंध में मतलब जी 12 के 12 महीने तो रखते हैं क्योंकि उसमें फीड में खर्च कम पड़ता है ठीक है और हरे चारे से पशु अच्छी तरह चारा भी खा जाता है ठीक है और वही प्यार भी रहता है स्वास्थ्य भी बढ़िया रहा हाँ स्वास्थ्य बढ़िया और बाहर का भी दिखाऊंगा भाई आ जाओ एक बार अपने इधर को आ जाओ यहाँ पे बीच में गैली छोड़ दी उसी प्रकार वहाँ पे छोड़ दी और ये यहाँ पे कच्चा भी रख रखा ये कितना एरिया होता जी ये लगभग ये भाई है 27 फुट है अच्छा 27 फुट चौड़ा ठीक है इसमें दीवार के साथ साथ जो चारों तरफ कड़े हैं ठीक है इसने अगर मतलब सर्दिया में धूप के लिए बांधे ठीक है और ये बता रहा था गर्मियों में मतलब सवेरे 6 बांधे 8:30 बजे तक इन आराम से बंदे आराम से कोई दिक्कत वाली बात कच्चा भी है हाँ। और धूप भी लगनी चाहिए ठीक है और ये पेड़ लगा दिए बताया था पेड़ चारों तरफ लग गए चारों तरफ पेड़ हो गए ताकि गर्मियों में ये तप नहीं पाओ और गर्मी नहीं पड़े ठीक है हाँ अगर इतनी इतनी जगह छोड़ जाओ तो बाहर भी आ जाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती यहाँ पे जाली सेटल करवा यहाँ जाली सेट अगर है क्योंकि पीछे जो दूसरे का खेत है जी वो काफी नीचे है इसका भराव बहुत ज्यादा है ठीक है अगर द्वार ओपन करेंगे जी और ऊंची करेंगे हाँ। पड़ जाएंगी हाँ सही बात है हाँ, तो नुकसान लेकिन मैंने जाले लगवा दी ताकि खर भैंस की तो कोई दिक्कत नहीं जैसे देसी गाय है ये ऊपर से ना कूद जाए सही बात है ये जाले लगवा दी कुत्ता अगर हमारे को मतलब कोई मतलब बाहर का भी आदमी नहीं कूद पा रही अंदर से बाहर नहीं जाए तूड़ी का आपने इस कोने तूड़ी का इस कोने में सेट कर दिया तैयार तूड़ी के लिए भाई बहुत सारे भाई है लेंटर डलवाले है पता नहीं क्या तूड़ी विज्ञान की चीज देखेंगे ये कितने भाई कितने का करे आपने ये है दिखा दे भाई नजदीक ऊंचाई भी बहुत अच्छी रख रखी है 14 फुट है ठीक है 60x30 का है 60x30 का मतलब कितनी ट्राली आ जाऊं है इसमें 500 क्विंटल तोड़ा आ जाए तो बहुत हो जाओ एक साल का स्टॉक तो बहुत ज्यादा हो जाए ठीक है ये देखो जी ये भी काफी अच्छा है सेटलमेंट क्योंकि ऊपर वाली ये पड़ जाऊंगी ना कोई दिक्कत ही नहीं रहती फिर एक कमरा तैयार करना गलत हो जाओ है उसमें तो खर्चा भाई अगर पशु रख रहे कल बच्चे पशु रखने छोड़ दे पहाड़ो तो नुकसान की बात है और ये तो उतर भी जाऊंगी टाइल हाँ उतर जाएंगे बाकी कहीं नहीं जल्दी बिल्कुल बिल्कुल तो सिस्टमैटिक ढंग से बढ़िया तैयार करया था उसने सारा का सारा काम जो बता रहा था पानी का से ये पानी की हुआ है ठीक है ठीक जो पशुओं को पानी पिलाने लिए छोटा ट्यूबल है ठीक है ठीक है और जो अच्छा यही नहलाते हो पशुओं हां नहलाते तो वहीं रखने वाले तो अंदर जा रहा है इसकी जो है ना इस पाइपलाइन अंदर जा रही है अंदर जा रही है सर्विस हो जाती है ठीक है ठीक है यहां तो चलते रहो और तरई बड़ा तालाब तालाब के लिए बड़ा ट्यूबल है अच्छा वो बड़ा ट्यूबल हां 300 फुट पर बोर है 300 बाई यही है ठीक है छोटा भी बड़ा भी ठीक है ठीक है चलते रहो आगे ये तालाब है तालाब अभी भरते नहीं क्योंकि हाँ। जब तालाब भरेंगे जब मच्छर हो जाएंगे अच्छा मच्छर हो जाएंगे हाँ मच्छर हो जाएंगे जब उस टाइम तालाब भरेंगे ये कितने बाई कितने एकड़ करवा रखे ये 45x48 का है 45x48 हाँ इसमें पशु भी दोषे के लमना आ जाए अच्छा इसमें दोषे पशु आ जाएंगे दिक्कत नहीं आ जाएंगे तो पशु जब तालाब में पड़ो ऊपर तली हो जाए आपको किसी को परेशान नहीं करते तो मैंने बताया भाई हर लग्जरी चीज यहाँ पे मिलेगी बहुत बढ़िया डेयरी फार्म बना रखा है और लंबी अच्छा एक बात और बताओ लास्ट बात पूछूंगा आपसे बहुत सवाल की आपने सही जवाब दिए आपकी पीढ़ी तो चलो पशुपालन आपके फादर भी क्या करते थे भाई वैसे तो देखे जमींदारी वैसे तो रखे ही करते मतलब शौकिया तौर पर बढ़िया थे बिल्कुल अच्छे पशु रहा करते ठीक है तो वैसे वो भी सरकारी जो टीचर थे जी जी ठीक है तो आपने तो कर लिया अपनी पीढ़ी का काम आगे के सलाह आगे इतना पता हो भाई तेरा भाई हो तो जा लिया ऑस्ट्रेलिया उसकी मिसेज भी रो भी जी जी तो देखो कितने दिन रहेंगे वहाँ उनका 10 साल रहेंगे 20 रहेंगे तो आगे सलाह दोगे वो हमारी सेवा हमारी सेवा करेंगे कि ना करेंगे ठीक है गलत है अच्छा अच्छा हाँ वो तो देखो उन पर खेल है सही बात ठीक है इतने 10 साल 5-10 साल तो मैंने चलाऊंगा कोशिश रहेगी उसके बाद देखो क्या करेंगे अगली पीढ़ी पर और भाई दूसरा तेरा भाई हो डॉक्टर बन गया उसका तो नाम ही नहीं है कर लूंगा ठीक है गलत है तो चलिए ये सारी बातें थी भाई पशुपालन में बहुत अच्छा काम करे 25-30 साल दिए लेकिन बहुत बड़ा नाम है और मैं देख के बात कहूँगा शायद नौकरी में वो नाम नहीं मिला जो पशुपालन में मिला या बात ठीक कहूँगा देखिए बात भी ठीक है नौकरी के कारण ही हम ये फार्म कर पाए ठीक है
क्योंकि एक साइड की इनकम से काम नहीं चलता, एक साइड का चलता नहीं, दोनों साइड की खेती की भी हुई नौकरी की भी हुई जी, जब हम यहाँ कामयाब हुए, जब कामयाब हुए, बात ठीक है, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा बजट है वो जी जी हाँ, क्योंकि इतिहास खोल ले हाँ हाँ, जो भी लोन ले हुए हैं जी वो लोन क्लियर नहीं कर पाते, लोन नहीं क्लियर नहीं कर पाते, और फिर 5-4 साल चला हुआ है जी, और नुकसान कर लेते, नुकसान इतना कर ले सर, जमीन भी बेच कर पंडा नहीं छुपता, सही बात है। तो भाई हमने जब हमारे पास दोनों साइड से इनकम थी जी, हमने लोन कराने की जरूरत नहीं पड़ी जी, तो ठीक अपना चला पे 25 साल भी चलाना इस लेवल पर मैं आसान नहीं मानता, जितना लंबा हम चला गए, देखो 5-10 बैच तो लेकर दुनिया देश कर ले, सही बात, लेकिन इतना लंबा और इतना कंपटीशन लड़ने, इतने अवार्ड लेने, तो मैं तो हर आदमी यू काम कर पाए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। देखो पैसे वाले दुनिया बहुत बड़े बड़े पैसे वाले, लेकिन पैसा में मेहनत नहीं कर पाओगे जी जी जी, मेहनत भी करनी, मेहनत भी करनी जरूरी है, पैसे काम नहीं जी, तो जी। दिन रात भाई मेहनत करके जब यहाँ पहुँचे, ठीक है। तो इस बार के जो आपके मेले आने हैं वो क्या कहोगे, हर कैटेगरी में लड़ोगे या स्पेशल बोलते लड़ोगे, देखो क्या कहना चाहोगे? मैंने कहा समय कराता है, हाँ 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 जी, लेके चोट खा गया जी, नहीं लड़ पाया, नहीं लड़ पाया, तो पशु पे है, पशु तैयार है, को हरी बीमारी ना आना जी, तो ये तो जो अपना जोटा दो पलटा, हाँ हाँ वो चोट खा गया जी जी, खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो पशु पे भी खेल है, पशु अगर तैयार है कंप्यूटर, मैं कोशिश कौन नहीं करता, सब कोशिश करते हैं, कैटेगरी में लड़े, बिल्कुल बिल्कुल, तो तैयारी तो बाहर कैटेगरी की रहेगी जी जी, बाकी समय कराएगा, बाकी समय कराएगा, बिल्कुल सही बातें बताई सारी की सारी, और निचोड़ डाले मैंने आज पशुपालन का ऊपर से लेके नीचे थी सारी बातें बताई, तो बताना कैसी लगी वीडियो, और मेहनत बदम दो भाई, एक दूसरे की काट छाट में कुछ नहीं रखा, बढ़िया काम करो, बढ़िया नाम करो, बहुत ऊपर जाना है पशुपालन, आगे भी मेरे ख्याल में स्कोप ठीक रहेगा पशुपालन का, ठीक रहेगा जी हाँ, क्योंकि देखो हरियाणा से जुड़िया काम या खत्म तो नहीं, खत्म नहीं हो पाओगे, क्योंकि बेरोजगारी तो हो चुकी है, बेरोजगारी तो है, सरकारी नौकरी किस किसने मिलेगी, बिल्कुल बिल्कुल, और भाई सब इतने हाई फाई मतलब एजुकेशन नहीं है जो अच्छे से आईएएस बन सके, टेस्ट क्लियर कर सके, सही बात, ठीक है, कम मेरे वर्ग के कम दिमाग के भी हैं जिन्हें पशुपालन का काम करना पड़ेगा, ये बड़ी सुथरी बात है ये छाट के, तो भाई पशुपालन में काम करो, अच्छा नाम कमाओगे, बढ़िया काम करोगे, मेहनत लागे रहा, अगर नू नहीं एक मेला में हार गए तो रिटायर हो गए, चलो छोड़ो ना, ना, मैं नहीं लड़ू, बहुत सारे भाई देखे हैं, 10 कंपटीशन हो है, एक मेला लड़ाऊंगे फिर नू कहे माम को नहीं आवा, गलत हो गया, नू हो गया, कोई बात को नहीं, मेहनत आपकी दिखेगी, आज नहीं तो तड़के दिखेगी, यही बात बताऊ, बिल्कुल दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी जी जी, तो सभी साथियों को नमस्कार भाई, राम राम, और ताऊ जी का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद भाई सारे, धन्यवाद भाई सभी दर्शकों का।